हाँ तो कैसे आप लोग दोस्तों, मैं बता दूं कि आप इस चैनल पे यानी कि गौतम यादव टिक पे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया। लेकिन मैं अभी तक इस चैनल पे 214 वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तब 215 वीडियो हो जाएगा। तो क्या वीडियो के अनुसार से सब्सक्राइबर है? क्या वीडियो जो मैं वीडियो 215 अपलोड किया हूँ, क्या उसके अनुसार से सब्सक्राइबर है? ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इसका जो रीज़न है मैं खुद हूँ। वो गलती जो मैं जितना सारा गलतियाँ मैं इस पर किया हूँ उसका रीज़न मैं खुद हूँ, और मैं बताऊँगा वो सारी गलतियाँ जो मैंने किया हूँ ताकि आप इस गलती को दोहराए ना। तो ये सारी गलतियाँ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देरी ना करते मैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरे चैनल का इनिशियल जो बूस्ट होता है वो भोजपुरी से मिला है, और जो सब्सक्राइबर मेरे पास आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो भोजपुरी सुनने के लिए, भोजपुरी के बारे में जानने के लिए किए हैं। लेकिन मैं बाद में टेक्निकल वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ये मेरा पहला गलती था। और दूसरा गलती क्या है कि मैं हर एक टाइप का वीडियो बनाया, सारे टाइप का, ऑल टाइप के वीडियो मैं अपलोड करता था। इसके कारण से मेरे चैनल का व्यू और सब्सक्राइबर जो आते थे, एक चीज़ जैसे मैंने कुछ अलग टाइप का हाउ टू पे वीडियो बनाया, उस पर एक सब्सक्राइबर आ गया, फिर मैंने कुछ और अपलोड किया तो फिर वो सब्सक्राइबर चला जाएगा, क्योंकि वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैं YouTube के बारे में बता रहा हूँ, लोग मेरे पास YouTube के लिए आया, लेकिन कल बेला मैं कुछ और अपलोड कर दिया तो फिर वो सब्सक्राइबर चले जाते, वो एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं रहते। तो ये मेरा दूसरा गलती था जो आपको नहीं करना है। तीसरा गलती मैंने क्या किया कि अपने चैनल पे, जो मेरा चैनल है उस पर क्या किया कि कुछ कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड किए, कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड की, जिससे हेट बहुत ज़्यादा, हेटफुल बहुत ज़्यादा हुआ उस पर, लाइक डिसलाइक ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ आया। तो मेरा तीसरा गलती था। अब चौथा क्या है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बनाता, वीडियो तो बहुत सारा मैंने बनाया लेकिन रेगुलर वीडियो नहीं बनाता, इसके कारण से एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं रहे मेरे, जो एक्टिव सब्सक्राइबर होते वो नहीं रहे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सर्चेबल वीडियो बनाया, काफ़ी सर्च में वीडियो मेरा, अगर जितना भी वीडियो देखिए मेरे पास एक्टिव सब्सक्राइबर कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा सर्च से, काम से लोग जो वीडियो होता है ना, काम का, वो कुछ मैंने वीडियो बनाया, बहुत काम का वीडियो बनाया जिसको सर्च में, मतलब 90% प्लस सर्च में वीडियो है मेरा, सर्च में, एक्टिव से नहीं है, सजेस्टेड भी वीडियो नहीं है, सर्च में है, टैग भी नहीं कर रहा है लेकिन सर्च में सबसे ज़्यादा वीडियो है मेरा वो, आप जाके चैनल खोल के देख सकते हैं। तो आप लोग अगर इस टाइप के वीडियो बनाए सबसे ज़्यादा सर्च में, तो आप मेरे चैनल पे जाके खोल सकते हैं, हाउ टू पे जितना भी वीडियो है वो पूरे 90 प्लस सर्च में वीडियो है। तो ये मैंने किया, जो 10,000 सब्सक्राइबर जो मेरे हैं जो है वो इस टाइप से है, और ये मेरा चौथा गलती था जो मैं टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं करता था और नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज से वीडियो रेगुलर आपको मिलेगा, क्योंकि अब सब कुछ रख चुका, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं एडिटर से लेकर सब कुछ रखा हूँ थंबनेल बनाने के लिए। उसके बाद मेरा वेबसाइट भी आ रहा है, ब्लॉगिंग भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो सब कुछ आपको, यानी कि समझ जाइए आपको जनवरी से पहले सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करना है। हालांकि मैं टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ तो मुझे सबसे पहले छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें बनाना चाहिए था अपने चैनल पर, हालांकि मैं बड़े बड़े चीज़ें दिखाने लगा तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी, मतलब ग्रोथ ख़राब हो गया मेरे चैनल को, और एक्टिव भी नहीं रहते थे। तो सबसे पहले अगर आप टेक्निकल, मतलब यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक पे, हाउ टू से अलग भटकना नहीं है, हाउ टू पे ही वीडियो, जितना हाउ टू पे वीडियो है उतना वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिए, आपका चैनल कभी भी पीछा नहीं रहेगा, चाहे एक्टिव सब्सक्राइबर रहे या ना रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, मेरे जैसा गलती कभी भी नहीं करना है आपको। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।